हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो गाइस, आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह सुबह से। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह उठ गए हैं और उठने को तो मन नहीं करता है ठंड में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ठंड है, क्योंकि बीच में बारिश वगैरह हो गई थी ना, उसकी वजह से ठंड अभी तक गई नहीं है। तो यहाँ देखिए, सुबह उठ गई हूँ और उठते ही परमात्मा को याद करना, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आप जिसको आप मानते हो, उनको 5 मिनट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोनों हथेली को खोल कर अपने फेस पे ज़रूर लगाना चाहिए, तो ऐसे करना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ी देर परमात्मा को याद किया और उसके बाद निकल गए अपने कामों के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना रेडी हो जाते हैं तो अपने आप को भी अच्छा सा लगता है ना, नहीं तो जब सो के उठते तो शक्ल अजीब सी बनी होती है, बिल्कुल सोई सोई सी। तो यहाँ देखिए, मैंने बाल वगैरह बना लिए हैं, बाकी मुंह धो लूँगी, थोड़ा सा ऐसी कुल्ला वगैरह कर लूँगी। और ठंड सुबह सुबह ना कुछ ज़्यादा ही लगती है, मतलब ये है कि सुबह शाम की ठंड तो है अभी। और यहाँ मेरा हो गया है गर्म पानी, तो बस अपना गर्म पानी पियेंगे आराम से बैठ के, और गर्म पानी पीते पीते सोचूंगी कि क्या करना है आगे, कैसे करना है। तो हर चीज़ का हिसाब लगा के चलती हूँ ना, तो हर चीज़ आराम से हो जाती है, ईजिली हो जाती है। तो नहीं तो फिर सोचना पड़ता है कि ये काम है वो काम है। तो यहाँ पर देखिए, पानी पीने के बाद मैं आ गई थी, अपने बालों में ये लगाती हूँ मैं प्याज का रस, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था। तो प्याज का रस लगाती हूँ, इससे ना बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ये फ़ायदा तो बहुत हुआ है मुझे। और ये देखिए, नारियल का तेल में मिला के लगाती हूँ, तो तेल ना ठंड की वजह से जम गया था, तो मैं इसको गर्म कर रही थी। और गाइस, थोड़े से बाल तो कम हुए हैं झड़ना, पर ये है कि रेगुलर वे में अगर आप लगाओ, मतलब हफ्ते में 3 दिन तो आपको लगाना ही है, और मैं नहीं लगा पाती 3 दिन, वो ये है कभी टाइम मिल जाता तो लगा लेती हूँ, नहीं मिल पाता तो नहीं लगाती, तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ देखिए, अच्छे से अपने बालों में इसको लगा के मालिश करनी है खूब अच्छे से। और प्याज तो वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो यहाँ पर नारियल के तेल और प्याज की कर लूँगी अच्छे से मालिश। तो देखिए फ्रेंड्स, मालिश वगैरह हो गई है, और उसके बाद मुझे अपना करना था ये काम। तो मेरा बाथरूम हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि ना यहाँ पे बाथरूम में कुछ थोड़ा बहुत काम भी करवाया था, सीलन वगैरह आ रही थी, क्योंकि पान यहाँ पे ना थोड़ी सी थोड़ा ताड़ी भी करी थी बाथरूम में, तो थोड़ा सीमेंट वगैरह लगाया था, उसकी वजह से ना बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था। तो मैंने कहा नहाने से पहले ही ये सब काम करूँगी, तो बस मेरे इन्हीं आदतों से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि मैं ना छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इससे क्या होता है हमारा घर भी पूरा साफ़ सुथरा रहता है और हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से ना सारी टाइल्स साबुन से रगड़ दी, और वैसे भी बहुत ईजिली हो जाता है ऐसे करो तो साबुन से, जूने से, मैंने इसका जूना ना अलग से रखा हुआ है, तो उसको ये अच्छे से साबुन से और रगड़ लूँगी। और बाकी नीचे का जो फर्श है ना, ये मैं करूँगी सर्फ से। और फ्रेंड, जो जिनके घर में पत्थर वगैरह लगे होते हैं ना बाथरूम वगैरह में, तो उनको हार्पिक वगैरह कभी भी पत्थर पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पत्थर उसे ख़राब हो जाता है। मेरा भी ऐसे ही हुआ है, मेरा जो पत्थर है ना, हार्पिक से मैं थोड़ा डाल देती थी बाथरूम में, बाथरूम वगैरह साफ़ करती थी, तो उससे ना पत्थर सारा ख़राब हो चुका है मेरे को, तो अब लग रहा है कि क्या हो गया, पर अब मैं नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी ये गलती बिल्कुल भी मत करना, जिसके यहाँ संगमरमर का पत्थर वगैरह लगा होता है ना, वो हार्पिक वगैरह से बिल्कुल भी ना धोए, बिल्कुल भी ना डालें अपने बाथरूम में, नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है पत्थर, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने तो अच्छे से सर्फ वगैरह डाला था, सर्फ डाल के वो अच्छे से जूने से रगड़ दिया था, तो बाथरूम मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद यहाँ बाहर ना पानी पानी हो जाता है, क्योंकि बाथरूम की ना जो भी हम सफाई वगैरह करते हैं ना, सारा पानी बाहर आ जाता है, तो मैंने कहा चलो इसकी भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ सफाई वगैरह सब हो गई है, और उसके बाद मैं यहाँ नहा धो के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तौलिया की मदद से ही बालों को अच्छे से सुखा लूँगी, और अब तो वैसे सूख जाते हैं बाल, पर अभी भी ठंड है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए, मैंने बालों को ना खोल लिया है, अगर मैं गीले बालों को बांध लूँ ना तो मुझे जुकाम हो जाता है, तो उसके बाद मैं यहाँ बाल खोल लिए, बाकी मैं अपना थोड़ा बहुत रेडी हो लूँगी। और यहाँ देखिए, हमारे रियांशु की मस्ती चल रही है, तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती हूँ, थोड़ा बहुत ही सिंदूर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह जो लगानी होती है वही लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ तो मैं लगाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे अपना तैयार हो गए थे, और उसके बाद आ गए हम किचन में। और गाइस देखिए, मेरे बालों का क्या हाल हो रखा है, कर्ली हेयर है ना तो कितने अजीब लगते हैं, जब तक काढ़ो नहीं ना, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं काढ़े, मैं ऐसी आ गई किचन में, मैंने कहा काढ़ूंगी तो और टूटेंगे, तो बाबू के लिए दूध बनाना था इसलिए मुझे आना पड़ा। और यहाँ देखिए, उसके बाद बना रही हूँ चावल, क्योंकि मुझे जाना है अपनी सिस्टर के यहाँ, तो चावल लेके जाना है उसके घर पर, तो खाना आज मेरा वहीं पर है। तो यहाँ देखिए, ये रियांश ने ना यहाँ खिलौने वगैरह रखते हैं ना, इसके ये स्लिप है ताड़ जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ना सारे खिलौने इधर से उधर फैला देता है, मतलब वो ये कभी कुछ मांगता है कभी कुछ मांगता है, और फिर ऐसे ही रखना पड़ता है जल्दबाजी में, तो मेरे को ये रोज़ डेली सेट करना पड़ता है, नहीं तो ना बहुत बेकार सा लगता है। और उसके बाद ये रजाई वगैरह है, मैं इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी फटाफट से।
तो फ्रेंड मेरे वैसे काम तो सारे हो गए थे, खाना पीना तो मुझे बनाना नहीं था, तो आज थोड़ा जल्दी मैं फ्री हो गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने चादर को भी अच्छे से झाड़ के, तकिए वगैरह के पिल्लो वगैरह को भी अच्छे से लगा के बिछा दिया है। और फ्रेंड्स अब हम चल दिए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, तो बस उसके घर ही जाना था मुझे। तो गाइस हम आ गए हैं घर, तो मैं सिस्टर के घर पे आ गए हैं। तो बस काम वगैरह हो गया था और धूप सेकने आए थे गाइस। धूप तो है नहीं, बादल हो रखे हैं, धूप बिल्कुल ऐसी ही है। और खाना भी नहीं खाया, मैंने कहा धूप चली जाएगी, वहीं जाके खाना वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ तो धूप ही नहीं है, बादल हो रहे हैं। तो बस अभी बैठ के खाना खाएंगे, देखते हैं बाकी छत पे थोड़ी बहुत धूप आएगी तो जाएंगे, बाकी तो नहीं है। थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। थोड़ा 4 बजे करीब जाऊंगी। यूवी कह रही मुझे मत दिखाओ, यूवी को शर्म आ रही है आज। और ये हमारा न्यांशु है, मस्त होके खेल रहा है। न्यांशु गाइस खाना वगैरह खाते, अखबार लग गया अखबार। येरी यूवी, हेलो यूवी, हेलो हेलो। तो देखिए गाइस हमारा खाना लग चुका है और आज बहुत कुछ है खाने में। सोयाबीन की बड़ी और चावल हम बना के लाए थे, सिस्टर ने रोटी वगैरह बना दी थी। तो बस यहाँ पे दोनों बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। सुपारी देखो सूरज दिखाई भी नहीं दे रहा। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी धूप है, ये धूप सेकने आए हैं बच्चे। यांसु तो देखिए गाइस हम भी यहाँ बैठ गए हैं धूप में और यहाँ धूप के मजे ले रहे हैं, क्योंकि ना मेरे को रियांश को धूप दिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ना धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जाए आप 15-20 मिनट ले पर धूप ज़रूर ले। और साथ साथ यहाँ पे मेथी वगैरह मटर वगैरह थी, हमने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। सूरज ढल गया है, धूप चली गई है, बच्चे खेल रहे हैं। ए हल्ला का मचा यूवी, हल्ला कम, वीडियो बनती है नो हल्ला, बस तू ये जी भी दिखाती रह कर अपनी वीडियो में। अरे छिल गई, नहीं अब मैं जा रही हूँ, 5-10 मिनट चल ले दीजिए। तू मुझे चाय बना के पिलाएगी यूवी अपने हाथ से। तो गाइज अब हम आ गए हैं घर और अब शाम भी हो गई थी और हमें थोड़ा लेट ही हो गया था वहाँ से आते आते। और यहाँ देखिए हम बना रहे हैं अपने लिए चाय, तो गाइज यूवी ने तो हमारे लिए चाय नहीं बनाई। तो हम यहाँ घर आ गए क्योंकि हमें ना लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और यहाँ को सुलाना भी था, वो सोने के लिए भी रो रहा था। तो यहाँ देखिए मखाने वगैरह भी भून लूँगी, तो चाय मैं खाली नहीं पीती हूँ, तो यहाँ नमक वाले मखाने थोड़े से भून लूँगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और हेल्दी भी होते हैं मखाने। अगर आप ऐसे फ्राई करके खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो बस चाय वगैरह पी ली है और यहाँ लग गए हैं अपनी रात के खाने की तैयारी के लिए। तो यहाँ देखिए मैं टमाटर को क्रश कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर की सब्ज़ी। तो गाइस ये देखिए मटर होते हैं ना, हरी मटर आजकल बहुत सस्ती आ रही है, तो बहुत अच्छी मतलब लगती है सब्ज़ी हमें। और ये देखिए मैंने सारे सामग्री काट ली है, मतलब टमाटर वगैरह प्याज वगैरह। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया है और ऊपर ना थोड़ा दिखता नहीं है, मतलब ऊँची स्लिप है ना तो कुकर में दिखता नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, इसलिए मैंने नीचे रख लिया था। तो अदरक को अच्छे से भून लिया, उसके बाद ये देखिए मलाई मैंने निकाल ली क्योंकि मैं मलाई भी डालने वाली हूँ सब्ज़ी में। मलाई डाल के ना थोड़ा टेस्ट अलग सा आ जाता है इसमें। तो ये देखिए मैंने मटर वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं, टमाटर वगैरह अच्छे से फ्राई करके और मटर और जो मलाई थी वो भी मैंने डाल दी है। तो सब्ज़ी मैंने बनने को रख दी है। और ये देखिए हमारा एक पार्सल आया था रियांश के लिए, हमने कुछ मंगाया था स्पेशल, तो बहुत बेचैन हो रहा था खोलने के लिए। मम्मा निकालेगी, निकल जा निकल जा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो इसको पकड़ो, गत्ते को पकड़ो गत्ते को पकड़ो। ये तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा दूध भी गर्म हो रहा है और हमने लगा ली है अपने खाने की थाली। तो ये देखिए हमारी मटर की यम्मी सी सब्जी बन गई है और साथ में ली है 2 रोटी। और ये हमारा सामान था जो मैं लेके आई थी, तो ये सामान भी मुझे लगाना है। तो खाना पीना तो खा लिया था, तो अब मैंने कहा चलो सामान वगैरह लगा देती हूँ। हेलो गाइस, गाइस यांशु हमारा आ गया है बाय बाय करने के लिए, तो अंदर से चिल्ला रहा था गुड नाइट बाय बाय। तो मैंने कहा आपको ही मिलवा देती हूँ, और यांशु मेरा थोड़ा सा छोटा है तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा। अच्छा आज यांशु ब्लॉग का एंड करेगा, यांशु कर दो। चलिए गाइस आज का वीडियो यही करते हैं एंड, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।